दोनों कपड़ा में आग लग गया ना, देखिए अब देखिए दोनों में से कौन कपड़ा जल रहा है, इसमें पानी भी है और तेल भी है, ठीक है, इसका देखना है रौनक, तो देखना कैसे फड़फड़ाएगा, इसको ढक रहे हैं मोटक आना, देखिए मोती जल है ना, इसको ग्लास से ढक रहे हैं, यस देख रहे हैं, अभी पूरा ढक के भी नहीं तो क्या हो गया, बुझ गया, पता है क्यों बुझ गया ये, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, इसको चारों ओर से ऑक्सीजन मिलना बंद हो चुका था। प्रभु हाथ सेट कर दुकान तक नीचे से बुआ, देखिए दो दो मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या कागज में आग लग रही है, नहीं देखो लग रहा है खाली करिया हो रहा है बस, अब कारण का है, क्योंकि जल उसके अंदर जल रहा है, देख जल रहा है कागज, अथी कागज जला कहीं, नहीं क्या ये मोमबत्ती का प्रैक्टिकल करना आप लोगों को, अरे हंसी में तो क्या करना प्रयोग ही बताइए ना, प्रयोग हम लोग को ये देखना है कि जलती हुई मोमबत्ती को जब इस ग्लास से ढकेंगे तो ये मोमबत्ती बुझ रही है कि नहीं बुझ रही है, अगर बुझ भी जाएगी तो काहे बुझेगी, सब कारण जानेंगे आप लोग भी बताएगा ध्यान से, ये मोमबत्ती जल रही है, इसको ढक रहे हैं मोटक आना, देखिए मोमबत्ती जल रही है ना, इसको ग्लास से ढक रहे हैं, यस देख रहे हैं, अभी पूरा ढक के भी नहीं तो क्या हो गया, बुझ गया, पता है क्यों बुझ गया ये, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, इसको चारों ओर से ऑक्सीजन मिलना बंद हो चुका था। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इसको देखिए, देखिए धीरे धीरे रोशनी कम होगा, जैसे अंदर ले जाएंगे कम हो रहा है रोशनी इसका, ध्यान दीजिए अंदर ले जाएंगे जैसे बाहर निकलेंगे जलना चालू हो जाएगा, अंदर ले जाएंगे फिर देखिए बुझना चालू हो जाएगा, देख रहे बुझ रहा है, बुझ गया ना, कारण क्या है बताइए, अच्छा एक मिनट, देखिए ले हाँ ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मोमबत्ती को मतलब ग्लास से इसको ढकना चालू करेंगे इसका रोशनी कम हो रहा है, हो रहा है कम, इसको बाहर निकाले फिर रोशनी आ जाएगा, बुझ गया, यहाँ भी देखिए आप लोग ग्लास को जितना अंदर ले जाएंगे ना इसमें ये क्या होगा बुझने, इसका रोशनी कम हो रहा है, देखिए कम हुआ हल्का, निकाल दीजिए फिर रोशनी उसी टाइप का, जानते हैं ऐसा काहे हो रहा है, काहे कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब हवा, तो जैसे इसको ढक देते हैं ना तो इसको चारों ओर से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और ऑक्सीजन जब मिलना बंद होगा तो ये जलना भी क्या करता है, बंद कर देता है, अगर आपके कपार में आग लगा दिया जाए और आग लगाने के बाद आपके कपार को लपेट दिया जाए कपड़ा से तो क्या जलते रहेगा उसमें आग, नहीं बुझ जाएगा, क्यों बुझ जाएगा, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग, इस कागज के अंदर क्या है, पानी है, पानी है ना इसके अंदर, अब इस कागज के अंदर पानी डाले, इस कागज को जला कर देखते हैं कागज जलेगा कि नहीं, आप लोग बताइए जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, कारण बता सकते हैं, पहले देख लीजिए तब कारण, इस कागज के अंदर पानी है ना, इस कागज में आग लगाई जा, देखते हैं प्रभु हाथ सेट कर दुकान तक नीचे से बुआ, देखिये दो दो मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या कागज में आग लग रही है, नहीं देखो लग रहा है खाली करिया हो रहा है बस, अब कारण का है, क्योंकि जल उसके अंदर जल रहा है, देख जल रहा है कागज, अथी कागज जला कहीं, नहीं और नीचे करो बुआ, तो कागज को ऊपर से दिखा, तो बुआ ऊपर से पानी दिखा, तो पानी है ना उसके अंदर, चलो इधर नीचे से दिखा, देखो मोमबत्ती जला रहे हैं कागज, कागज नहीं जल रहा है, जानते हैं कारण क्या है, अच्छा नॉर्मल कागज देखे तो कोई कागज है जो नॉर्मल को उठाइए, कोई भी कागज एक लाई तो लाई इधर, देखिए नॉर्मल कागज है ना, इसको जलाई जलेगा कि नहीं जलेगा, जल जाएगा, देखो आग पकड़ लिया ना, लेकिन इसके अंदर पानी डाल के आग धरा रहे, आग पकड़ रहा है, देखो ये जल गया है, इसमें आग नहीं पकड़ रहा है, चलिए फेंक दो बुआ उसको, धैले रहो हाथे में, धैले रहो सही है, धैले रहो उसको हाथे में, वो सही है, नीचे में रखा ना, फेंक दो पानी हल्का हल्का, चलो अब कारण बता लोग, इसके अंदर पानी भर के आग लगाएगा तो नहीं जला, का है कागज का है नहीं जला, क्योंकि पानी अंदर वाष्प बना ले रहा, देखिए क्या हो रहा था समझ लो, थोड़ा सा हाथ हटेगा, समझिए का है नहीं ये जल रहा, जैसे ही मोमबत्ती से हम लोग क्या कर रहे थे, इस कागज को जला रहे थे, तो कागज का जो उष्मा है वो पानी के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है, इसका जो गर्मी है पानी का अथी का मोमबत्ती का है जल रहा है ना, इसका अपना क्या उष्मा है, जैसे अभी खाली कागज को जलाएं, यहाँ ऊपर से जलाएंगे तो ढलेगा आग जान जाना, यहाँ से क्या हो जाएगा आग पकड़ लेगा, लेकिन नीचे से लगा रहे जहाँ पानी वहाँ आग नहीं पकड़, जानते हैं क्यों, क्योंकि कागज का जो इसका उष्मा है जो गर्मी है वो पानी के माध्यम से कहाँ निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, अब सोचिए बाहर निकल जाएगा तो आग पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, इसी कारण से ये कागज नहीं जल रहा है, तो कागज न जलने का कारण क्या है,
जो इसका अपना उष्मा है, अपना गर्मी और पानी के माध्यम से क्या बन के निकल रहा है, वाष्प बन के निकल रहा है, इसी कारण से ये नहीं जल रहा था। इस कपड़ा के अंदर खाली क्या डाला गया, पेट्रोल, और इसके अंदर पेट्रोल भी है, पानी भी है, दोनों को जलाकर देखना है। इस पेट्रोल वाला है और इसमें पेट्रोल पानी है, दोनों को एक साथ जलाएंगे, देखते हैं कौन कपड़ा जलता है और कौन नहीं जलता है। ध्यान से देखिएगा, दोनों कपड़ा में आग लग गया ना, देखिए। अब देखिए दोनों में से कौन कपड़ा जल रहा है, इसमें पानी भी है और तेल भी है, ठीक है। इसका देखना है रौनक, तो देखना कैसे फड़फड़ाएगा। जल रहा है ना, ये सिचू नहीं जल रहा था, ये सिचू देखो देखो राजू नहीं जल रहा है सर जी, गया। इस कपड़ा में देखिए आग पकड़ा हुआ है, जल नहीं रहा है, काहे नहीं जल रहा है कपड़ा, इसमें पानी है और पेट्रोल, पानी वाष्प बनाकर आग को बाहर कर दे रहा है। अब इन आग नहीं पकड़ रहा, देखो हाई खाली कपड़ा था और इसमें क्या था, पेट्रोल और पानी, पेट्रोल और पानी था। हाई पेट्रोल वाला कपड़ा देखा पूरा जल के रखा हुआ, तनी भरी हो नहीं बैठा, देखिए तो ये सिर्फ पेट्रोल वाला कपड़ा जल गया, इसमें दो गो मिक्सिंग था, क्या क्या था, पानी भी था। कपड़ा कहीं से जला था, जला है नहीं, कोना पर जला नहीं है, इसका क्या हो गया, चिपक गया है कपड़ा हुआ, ठीक है। ये कहीं से नहीं जला है, जानते हैं काहे नहीं जला है, इसमें पेट्रोल था तो जल गया, इसमें पेट्रोल पानी था, जब इसमें आग लगाए हैं तो जल कौन रहा था, पेट्रोल, लेकिन उसका गर्मी को बाहर कौन निकाल दे रहा था, इसी कारण से नहीं जला। कल एक और चीज दिखाते ना, कागज के अंदर पानी भरा हुआ था, तो जब नीचे से मोमबत्ती जलाया गया तो कागज नहीं जल रहा था, क्योंकि जो मोमबत्ती का आग था उसका जो उष्मा था पानी के सारे का था बाहर, वो एकदम क्रिया सेम हो रहा था, इसके अंदर पानी भी था पेट्रोल भी था, तो जब जलाए हैं तो जल रहा था पेट्रोल, लेकिन कपड़ा नहीं जला, क्योंकि कपड़ा की रक्षा कौन कर रहा था, पानी। आग के गर्मी को और उष्मा को कौन निकाल दे रहा था, बाहर निकाल दे रहा था। देखिए यही कपड़ा जला, क्यों जला, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं था। आपके शरीर में आग लगा देंगे जलेगा कि नहीं जलेगा, जल जाएगा। अच्छा वो छोड़िए, आपके कपड़ा में, कपड़े आपके शरीर में पेट्रोल और पानी छिड़क दे दोनों, अब उसको आग लगाए जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा जलेगा, क्योंकि शरीर ना है, शरीर जलेगा। यहाँ कपड़ा की बात है, इसमें पानी भी था पेट्रोल भी था, तो ये कपड़ा आपका नहीं जलेगा, ठीक है ना। कपड़ा जला है किसी कोना से, ये नहीं जला, क्यों नहीं जला, क्योंकि इसके अंदर पानी वाष्प बन के बाहर निकल गया था। तो घर में अगर आग लगाना हो तो क्या करिएगा, पेट्रोल पानी दोनों छिड़किए। का सिखा लोगी बताइए, पहले किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन को जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब हम प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा, सब कोई पहला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे सब कोई। पहला प्रश्न, मोमबत्ती को ग्लास से ढकने पे क्यों बुझ जा रही थी, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए तो क्या कीजिएगा, घर में आग लग जाए तो क्या कीजिएगा, शांत। हाँ तो बताओ, तो अगर एक आग पर पानी डालेंगे तो आग बुझ जाता है, का है कारण, क्या कैसे बताइए, क्योंकि उसे पानी जो रहता है वाष्प बना लेता है मोमबत्ती को चारों ओर से बना के घेर लेता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। देखो जब भी आग बुझाने की बात आई तो आग बुझाने के लिए आपको दिमाग लगाना है कि वहाँ से ऑक्सीजन उसको मिलना कैसे बंद करे। आप कभी चूल्हा में पानी डालते हुए देखे हैं, मम्मी को आग बुझाने के लिए ना, देखे हैं, सब कोई देखा होगा, पानी डालने से आग बुझ जाता है, काहे का है कि पानी जैसे डालेंगे क्या बन जाता है, पानी का वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो आग को घेर लेगा चारों ओर, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, मोमबत्ती बुझ जाती है क्यों, ग्लास से ढकने से ऑक्सीजन नहीं मिलता। दूसरा, किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए तो क्या करेंगे, कंबल लपेटने से आग का आग काहे बुझ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तीसरा बात कि अगर पानी आग पर पानी डाली जाए तो आग बुझ जाती है, क्यों, क्योंकि पानी डालने से उसका वाष्प बनता है, वाष्प बनेगा तो वाष्प चारों ओर से उसको घेर लेगा, बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, ठीक।